लॉकडाउन पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान आया, इस मंगलवार को परिवहन व्यवस्था को सुचारू करेंगे, अपनी मंजिल की ओर जा पाएंगे उत्तराखंड में फंसे लोग। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, सिर्फ एक दिन के लिए व्यवस्था की जा रही है लोगों को बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए। सरकार का यह बड़ा फैसला, 31 मार्च को फंसे हुए लोगों को लॉकडाउन से मिलेगी राहत। बड़ी खबर इस वक्त आपको उत्तराखंड से देहरादून से बता रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक बयान आया है लॉकडाउन पर। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, इस मंगलवार को परिवहन व्यवस्था को सुचारू करेंगे, अपनी मंजिल की ओर जा पाएंगे उत्तराखंड में फंसे लोग। हालांकि ये कहा जा रहा है कि एक ही दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए ये व्यवस्था की जा रही है। जो लोग परेशान हैं, फंसे हुए हैं, वो बॉर्डर तक छोड़ने का काम उत्तराखंड परिवहन करेगा उन्हें। देहरादून से बड़ी खबर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान। लॉकडाउन पूरे देश में है, उत्तराखंड में है, और ऐसे में जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वो नहीं जा पा रहे, इस मंगलवार को परिवहन व्यवस्था को सुचारू करेंगे। पंकज पवार जुड़ रहे हमारे सहयोगी हमारे साथ, ब्यूरो चीफ देहरादून। पंकज, जिस तरीके से लोग परेशान थे, दूसरे राज्यों के दूसरे इलाकों के लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे, इस खबर को किस तरीके से देखा जाए, एक दिन के लिए व्यवस्था की गई है? देखिए, एक विंडो दी गई है सरकार के द्वारा, और सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि केवल 7 से 13 घंटे, सुबह 7 बजे से 31 तारीख को मंगलवार को 7 बजे से 13 घंटे की विंडो रहेगी। उसके तहत उत्तराखंड में जितने भी इंटर डिस्ट्रिक्ट जो भी युवा फंसे हुए हैं, लोग फंसे हुए हैं, वो अपने घरों के लिए जा सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी उत्तराखंड के अंदर ही फंसे हुए हैं। बाहर से आने वालों की व्यवस्था की तो बात अलग है, उसके लिए तो सरकार अपनी तरीके से अलग कोशिश कर रही है, लेकिन उत्तराखंड के ही लोग जो कहीं कोई अपने गाँव गया है, उसको देखना है, तो उसकी वजह से उनको भी आने का मौका नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में सरकार ने फैसला लिया है एक दिन की ये विंडो मिलेगी, उसमें भी लगभग ये 13 घंटे की विंडो दी जाएगी। और साफ तौर पर सरकार की कोशिश ये है कि कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से जो इधर उधर फंसे हुए लोग हैं उनको अपने घरों तक पहुंचा दिया जाए, और कोशिश भी रहेगी, और अगर जो दूसरे राज्यों में जाने वाले लोग हैं उनको उनके बॉर्डर तक सरकार छोड़ देगी। तो कुल मिलाकर यही कोशिश है कि सब अपने घरों तक चले जाएं, और कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, लोग अपने घरों के लिए निकल जा रहे हैं, तो उनके लिए भी बस सरकार उपलब्ध कराएगी, और वहाँ राज्य के जितने भी लोग होंगे वो अपने लिए उनके लिए। ठीक पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा पूरी परिस्थिति पर, लॉकडाउन की स्थिति पर। आपके पास फिर आएंगे हम अपडेट के लिए, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।